हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक चौधरी, आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेमचंद लेखक परिचय 9th 10th 11th 12th और अदर क्लासेस के लिए। ठीक है, आप इसे कहीं पर भी लिख सकते हैं, पूर्ण साहित्यिक है ये। मतलब इस पर अगर आप यह कोई परीक्षा में लिखते हैं तो कोई भी आपका ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, एक भी अंक नहीं काट सकता। तो मैं आज आपको समझाने भी वाला हूँ कैसे प्रेमचंद की भाषा, प्रेमचंद की शैली, सब साहित्य में स्थान सब समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप 5-6 मिनट तो अपने भविष्य के लिए दे ही सकते हैं। यह बहुत सारी परीक्षाओं में प्रेमचंद जो है लेखक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रेमचंद के बारे में बता देता हूँ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनप्रताप राय था। ठीक है, धनपत राय था उनका नाम, वास्तविक नाम। उनके बारे में बताऊँ तो पहले उन्होंने एक टीचर बने थे, वो एक स्कूल में जो है शिक्षा देते थे। बाद में जो है उन्होंने उनका खुद का अखबार खोला था और खुद के अखबार में जो है खुद ही, मतलब आप समझ सकते हैं, जब खुद ही अखबार में राइटर होंगे तो उन्होंने साहित्य तो लिखा ही होगा। तब से उनका ध्यान जो है साहित्य में गया। जब सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब उन्होंने अपना साथ उनमें दिया और अपनी कलम के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, तो यही तक था प्रेमचंद का। तो आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि प्रेमचंद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, लमही ग्राम में हुआ था, 1880 में हुआ था, 31 जुलाई 1880। अगर आप जीवन परिचय भी लिखते हैं तो उसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दो रचनाएं की। तो मैंने दो रचनाएं इनके उपन्यास ली है, दोनों रचनाएं। पहली है गोदान और दूसरी है सेवा सदन। ये जो है बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी, और यही जो है, मतलब आप अगर लिखते हैं तो किसी भी टीचर को जो है यह पता होगी ये दोनों रचनाएं, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी, आपको पता होगा इनकी बहुत सारी रचनाएं, ईदगाह, परीक्षा और बहुत सारी है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं, अगली आती है इनकी भाषा। तो देखिए, प्रेमचंद जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी और उर्दू की भाषा चलती है। और अगर उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो हिंदी उर्दू नहीं चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जो है हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण करके एक नई भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने भी वही भाषा का जो है प्रयोग किया था। तो भाषा में इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी के प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत, अरबी और फारसी तो चलती नहीं है। ठीक है, तो हमें भाषा में लिखना है, इन्होंने संस्कृत, अरबी एवं फारसी की प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें जनसाधारण भाषा को समझ सके। ठीक है, अगर आप संस्कृत, अरबी और फारसी के प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग करेंगे तो कोई भी जनसाधारण भाषा को समझ सकता है। तो उसी प्रकार से यह भाषा की प्रथम लाइन दी हुई है यहाँ पर कि इन्होंने जो है संस्कृत, अरबी और फारसी के प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग किया था, जिससे जनसाधारण भाषा को आसानी से समझ सकता था। ठीक है, आपने हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके हिंदुस्तानी भाषा का साहित्य में प्रयोग किया, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके, मतलब थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू का मिश्रण करके हिंदुस्तानी भाषा का साहित्य में प्रयोग किया, जो कि जनसामान्य की भाषा थी। हमारे हिंदुस्तान में जो है हिंदी और उर्दू को मिक्स करके ही भाषा बोली जाती है। हमें अभी तक यह पता नहीं चला है कि हिंदी के शब्द कौन से हैं और उर्दू के शब्द कौन से हैं, क्योंकि दोनों का जो है शब्दकोश बहुत हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में साहित्य सृजन किया। उन्होंने जो है पहले जो है उर्दू में साहित्य सृजन शुरू किया था। जब उन्होंने उनका अखबार खोला था तो सर्वप्रथम में उर्दू में साहित्य सृजन करते थे, लेकिन बाद में वे हिंदी के में लेखन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो भाषा में आपको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी के प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग किया। दूसरा, उन्होंने हिंदी और उर्दू का मिश्रण करके नई भाषा का प्रयोग किया। और तीसरा पॉइंट आपको यह रखना है कि उन्होंने सबसे पहले उर्दू में लेखन कार्य, साहित्य सृजन शुरू किया था, बाद में उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। तो ये तो हो गया हमारा भाषा का टॉपिक। अगला देखते हैं, हमारा अगला है हमारा शैली। ठीक है, आप चाहे तो भाषा शैली दोनों एक कर सकते हैं, अगर आपको इन दोनों के बारे में, मतलब कम पता है कि जैसे भाषा में आपको 2-3 लाइन पता है और शैली में भी 2-3 लाइन पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, भाषा और शैली को दोनों, भाषा शैली और डेस करके इन दोनों को जो है मिक्स कर लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। ठीक है, शैली, उनकी भाषा शैली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर भाषा क्यों लिखा है, क्योंकि ये भाषा शैली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो भाषा है वो शैली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अगर आप भाषा लिखेंगे तभी तो उसमें शैली आएगी। ठीक है, तो उनकी भाषा शैली
सरस, प्रवाहमय तथा सरल है। ठीक है, उनकी जो शैली है वो समझने में बहुत सरल है, प्रवाहमय है, उसमें प्रवाह है तथा सरस है। ठीक है, जिसे हिंदू मुस्लिम, जिसे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो या शिक्षित अशिक्षित हो, हिंदू मुस्लिम शिक्षित अशिक्षित भली भांति प्रकार से पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी मतलब हिंदू हो मुस्लिम हो शिक्षित हो अशिक्षित हो भली भांति प्रकार से पढ़ लिख सकते हैं। जब उनकी भाषा प्रवाहमय है सरल है तो उसे कोई भी पढ़ लिख सकता है। ठीक है, मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग गए हैं। ठीक है, उन्होंने जो है भाषा में मुहावरों कहावतों का प्रयोग किया है जिससे भाषा में जो है चार चांद लग गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसे सिंपल में समझो तो आपको इसमें दो तीन टॉपिक याद रखने। उनकी शैली सरस, प्रवाहमय, सरल है, जिसे हिंदू मुस्लिम शिक्षित अशिक्षित भली भांति प्रकार से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, मुहावरों कहावतों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग गए हैं। अब बात करते हैं साहित्य में स्थान की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साहित्य में स्थान में, अब बात करते हैं साहित्य में स्थान की। ठीक है, साहित्य में स्थान, तो प्रेमचंद जो है युग के लोकप्रिय उपन्यासकार थे, लोकप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी जो दो रचनाएं वो भी उपन्यास पर है, उपन्यासकार थे। उनकी लोकप्रियता का कारण यह था कि उन्होंने जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं का यथार्थ सजीव चित्रण किया था। तो उनकी जो लोकप्रियता का कारण था वो यह था कि हम आसान भाषा में समझे तो उस समय जो थे अंग्रेजों का काल था, और उस समय जो था जन सामान्य की जो आशा आकांक्षाओं का यथार्थ सजीव चित्रण, मतलब उन्होंने जो है उस समय जो अंग्रेजों का काल था तो अंग्रेज जो हम पर जुल्म अत्याचार करते थे उनका उन्होंने वर्णन किया था। अपने काव्य में थोड़ा देशभक्ति दिखाई थी और थोड़े हंसी मजाक से लोगों को हंसा भी दिया करते थे वो उनके काव्य में। आपने अगर उनकी कहानियाँ पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे वो। तो उन्होंने जो है जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं का सजीव चित्रण किया था। एक श्रेष्ठ कलाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में इनका स्थान, इनका नाम सदा अमर रहेगा। ठीक है, तो एक श्रेष्ठ कथाकार, देखिए मैंने आपको बताया कथा कहानीकार, कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में इनका नाम सदा अमर रहेगा। तो इन्होंने जो है इतना बेहतरीन जो है कला, इतने बेहतरीन जो है कविताएं और उपन्यासकार लिखे हमारे लिए, जो उनका स्थान सदा अमर रहेगा। ठीक है, अगर आप साहित्य में स्थान में अगर यह भी लिख दें प्रेमचंद युग के लोकप्रिय उपन्यासकार है, ठीक है, और एक श्रेष्ठ कथाकार उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य में इनका नाम सदा अमर रहेगा, इतना भी अगर दो तीन लाइन भी आप लिख दें तो साहित्य में स्थान में आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ही मार्क्स होता है इसमें, जो है आपको एमपी बोर्ड के जो पेपर आते हैं टेंथ हिंदी के, हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य दोनों के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में चार चार अंक का जो है पूछा जाता है। तो चार चार अंक में से दो अंक साहित्य, मतलब एक अंक साहित्य के स्थान में मिलते हैं आपको, एक अंक भाषा और शैली पर मिलता है, और दो अंक जो है रचनाओं पर मिलता है। अगर आप यह कुछ भी नहीं लिखते सिर्फ दो रचनाएं लिख देते हैं इसकी तो आपके वहाँ पे दो अंक पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह जो मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया, अब अगले वीडियो में मैं कोई दूसरे कवि के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमारे जो है नए नए वीडियो को देख सकें।